Now the question number 45. The zeros of the polynomial r of t is equal to minus 12 t square plus k minus 3 into t plus 48 are negative of each other. Then k is. Zeros अब हमें given है, एक दूसरे के negative हैं. तो अगर एक alpha है तो दूसरा क्या हो जाएगा? Minus alpha. यानी कि sum will be zero. पॉलिनोमियल गिवन है मुझे आर ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस के माइनस थ्री इंटू टी प्लस 48. अब जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज अल्फा माइनस अल्फा, दैट इज जीरो. तो सम ऑफ जीरोस निकालो और उसको पुट करो इक्वल टू जीरो. अब मैंने यहां एक मिस्टेक की है क्या? हाँ जी, यहां नेगेटिव साइन लगेगा. सो ये नेगेटिव कट गया. सो के इज इक्वल टू थ्री. ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी. जीरो इंटू ट्वेल्व इज जीरो. तो k माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि k इज इक्वल टू थ्री. कौन सी ऑप्शन आंसर बनी फिर? ऑप्शन ए इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ अ हॉकी. हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन natural turf, yeah, grass you can say, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yards. Suhani, mute yourself, bache. It is 100 rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Goals consist of two upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined at the top by a horizontal crossbar. The inner edges of the post must be 3.66 meters or 4 yards apart, and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meters, that is 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie, that is the goalkeeper. Positions you might play include. Positions jo hai jab khelte hain to inki ye hame given hai. Forward position as shown by ABCD, midfielders as shown by EFG, full backs as shown by HIJ, and goalie as shown by player K. Using the picture of a hockey field below, answer the questions that follow. Figure clear hai? देखो, इसमें हमें गिवन है कि पहले के टाइम में जब खेलते थे तो जो उसके लिए ग्राउंड यूज करते थे, दैट वाज अ ग्रासी ग्राउंड. ग्रास ओरिजिनल वाली जो होती है उस पे खेला जाता था. आजकल जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास लगी होती है, आर्टिफिशियल टर्फ पे खेला जाता है. उसकी हमें सारी डायमेंशंस गिवन है कि कितनी जो है वो फील्ड की डायमेंशंस है, कितने बाय कितने का फील्ड गिवन है. 100 बाय यार्ड्स में गिवन है. मान लो ये फील्ड हो गया, ठीक है. अब इस फील्ड में उसने कहा कि ये सेमी सर्कुलर दो, मतलब जो एंड हैं, ये गोल पोस्ट जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन दिस इज द सेंटर, और सेंटर से ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल गिवन है. दीज आर इक्विडिस्टेंट. देन हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार जो है वो आपको दी गई है, कि जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो इनर एजेस हैं पोस्ट की, दैट मस्ट बी 3.66 meters. जो इनर एजेस पोस्ट की हैं, ये जो दो हैं, इनकी जो इनर एजेस हैं, दैट इज 3.66. उसके बाद लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार मस्ट बी 2.14 मीटर या 7 फीट अबव द ग्राउंड. अब जो आपको लोअर एज गिवन है इसकी, दैट इज, ये सारी यहाँ पे मेंशन्ड है, इफ यू कैन सी. अह
इसमें जो मार्क्स लगे हुए हैं ये सारे आपके यार्ड्स में गिवन है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ईच टीम प्लेज विद 11 प्लेयर्स, और एक साइड पे उन्होंने 11 प्लेयर्स की पोजीशंस बता दी हैं, जो पोजीशंस ए बी सी एंड डी हैं, यानी कि जो सेंटर के यहाँ करके पास पड़ रहे हैं, ये आपके फ्रंट वाले हो गए जो है फॉरवर्ड प्लेयर्स हो गए। देन मिडफील्डर्स इनके पीछे आएंगे, दैट इज डिनोटेड बाय द पोजीशन ई एफ जी, ठीक है। एंड देन जो फुल बैक हैं, जो मतलब आप कह सकते हो कि गोल वगैरह कवर करने की कोशिश करते हैं जब प्लेयर्स दूसरी टीम के उधर आ जाते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एच आई एन जे, और जो गोलकीपर है उसकी पोजीशन के गोल पोस्ट के अंदर, वो कहाँ पे ये बच्चे आपको गिवन है इनर एज ऑफ द पोस्ट, ये आई थिंक ये वाला बनेगा आपका डिस्क। एक बार मुझे इसकी हार्ड कॉपी दिखाओ, जस्ट वेट फॉर वन मिनट बेटा। है जिसको इक्वल डिस्टेंसेस से घूमना है फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन, देन द पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाय ए पी और जी। कहाँ पे हैं चेक करो, ए और जी को ज्वाइन करो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जी के। अब पी जो है वो क्या कह रहे हैं कि पी है, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, इट मींस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। सो मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा लोगे, पी के कोऑर्डिनेट्स विल बी 3+1/2 एंड 6-3/2, तो 2, 3/2। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन 48, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, आई के कोऑर्डिनेट्स -1, 1, ई के कोऑर्डिनेट्स 2, 1, आई एंड ई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको उसने कहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0, ठीक है। अब ये पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, तो लेट दिस बी p, यानी कि पी आई इज इक्वल टू पी ई, तो दोनों के स्क्वायर भी इक्वल होंगे। रूट हटाने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, x+1 होल स्क्वायर + 1 = x-2 होल स्क्वायर - 1। ये प्लस वन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x² + 1 + 2x, x² + 4 - 4x, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया आपका 6x = 3x = 1/2, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, 1/2, 0। नाउ मूविंग ऑन टू द 49th क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर क्यू सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई and K, Q, E are collinear. K, Q, E collinear हो, फिर से सुनो ये, what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E, यानी कि Q, K is twice of Q, E. Clear? And K, Q and E are collinear. क्या रेशियो आएगी, Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इनको, 2/1 हो जाएगा। अब निकालो K के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
minus 4 comma 1 and E is 2 comma 1. चलिए अब बताइए सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे. फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा और टू प्लस वन बाय वन. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स आर जीरो कॉमा वन. ऑप्शन डी इज बी इज योर आंसर. Question number 50, the point on y-axis equidistant from B and C. B ke coordinates 4, 3, C ke 4, minus 1. Ab wo kya keh rahe hai? Find the point on the y-axis equidistant from B and C. तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा वाई. तो सेम वे में जैसे आपने पहले किया था यू विल फाइंड आउट कितना आएगा. फोर स्क्वायर y square plus 1 plus 2y, y square will again get cancelled, minus 8y is equal to minus 8, y is 1. So 0, 1, option D will be your answer. So this was your sample paper. Ek bar basic wala bhi kar lena. For the time being, for in your this September exams, the same paper will be there. Common questions jo dono papers ke hote hain, that will be there in your this syllabus and in your three boards, there will be the different papers for you. Jo basic wale unka alag hoga, standard walon ka alag hoga. I'm talking about three boards. But it depends on. Usme matlab aap keh sakte ho ki hot level ke questions nahi hai. Baki hum matlab kisi ke dimag ka kuch keh nahi sakte. Agar jaise main hu, maan lo mere ko koi question easy lagta hai, wo aapko difficult lag raha ho sakta hai. Ya aapko jo ईजी लगता है मे बी वो मेरे लिए डिफरेंट हो. तो डिपेंडिंग ऑन कि किस पर्सन ने पेपर बनाया है अकॉर्डिंगली आपका लेवल भी चेंज हो जाता है. लेट्स सी मतलब हमारे सितंबर के एग्जाम्स भी होने हैं, प्री बोर्ड भी होने हैं. हां जी बिल्कुल होने हैं जी. तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. फ्रॉम सितंबर के बाद फिर प्री बोर्ड कब होंगे. नवंबर में तो दैट यू विल बी इन्फॉर्म्ड व्हेनेवर द स्कूल विल प्लान. So you will be informed accordingly. अभी फिलहाल आप September exams पे concentrate करो because on the basis of this, अगर in case अगर आपके somehow circumstances जो हैं वो थोड़े से भी change होते हैं तो these marks जो हैं will be counted. Like last year आपका जो है result बना था तो उसमें ये सारे marks आपके count हुए थे तो फिर उसमें उन बच्चों का loss हुआ था जिनके pre-boards में number नहीं थे. तो आप इस पोजीशन को फेस ना करो. टिल यू पीपल आर हैविंग टाइम टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली अपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. पहले ये दो बुक्स अपनी अच्छे से प्रिपेयर करो एंड देन जब आपको लगता है इसमें से तैयारी हो गई है देन गो फॉर एनी काइंड ऑफ सैंपल पेपर. किसी भी पब्लिशर का आप सैंपल पेपर ले लो. ऑल आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस सो देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट. Okay, so now moving on to the